व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज का एपिसोड तो एकदम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरा कभी से मन था अपने पास एक आर्मर रूम चाहिए, पर हम लोग आर्मर रूम ने आर्मर हॉल बनाने वाले हैं। तो ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आर्मर हॉल, अपना आर्मर रूम, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे टोटम्स मिल गए, अभी तो नहीं है, मैंने नीचे रख दिए टोटम्स सब। ओके, बहुत जगह वो लोग ले रहे थे। ओके, तो हम लोग आज की वीडियो में करने वाले आर्मर हॉल, वो भी अपने बेसमेंट में। चलो देखते, आपको दिखाता हूँ किधर करने वाला हूँ मैं। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा हम लोग अपने फिर से मेंशन पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला था, पर बहुत ज़रा टाइम होता क्योंकि सब इधर घूम घूम के आने का, और मेरे पास अपनी दो तीन चेस्ट थी बीच बीच में, वो भी मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान था। एक्चुअली मुझे वो मिली नहीं चेस्ट, मैं बाद में ढूंढूंगा अपने पहले वीडियो देख देख के उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। ओके दोस्तों, आज अभी हम लोग जाते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान का इंतज़ाम किया है। तो ये देखो मैं जा रहा हूँ नीचे अभी, तो डायरेक्ट इधर से तो मैं दिखाता हूँ मैं किधर बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मर रूम, क्योंकि यार मेरे पास आर्मर रूम नहीं है एक भी, मैं अभी एक भी नहीं, एक ही रहता है ना। और ये भी मैं हटाना चाहता हूँ, यार कितना कचरा लग रहा है यार इधर, ऐसा गली में ऐसे लग रहे जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखो मैं अभी इधर से चेस्ट में, ये देखो अपना ये इतना सामान मैंने जमा करके रखा है। तो ये मैं ब्लॉक्स अभी तो नहीं लूँगा, थोड़ा सा ये, यार ये वाले पिकैक्स है ना मेरे टूटने वाले, तो इसकी जगह ब्लॉक्स ही लेता हूँ। ओके, मैं इधर से स्टार्ट होता हूँ, इधर से ओके, इधर से मैं 2x2 का इतनी टनल बनाऊंगा बस। ओके, तो इधर से देखो मैं ये लगाने वाला हूँ अपने ये वाले ब्लॉक्स। ओके, ऐसे ये लग गए एकदम परफेक्ट। इधर स्लैब्स लगेंगे, नीचे भी स्लैब्स। ओके, तो ऐसे में है ना मैं पूरा हॉल बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यार इतना टाइम होगा ना बनाते आपको कंटला आएगा, इतना दिखाते होगे। तो चलो मैं इतना पूरा कंप्लीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। 2 hours later। तो दोस्तों मैंने तो इतना तो कंप्लीट कर दिया, क्योंकि बीच बीच में ना मेरे से थोड़ी सी गलतियाँ हो गई थी, इसलिए या ऐसा सब कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये मैं सब इतना फ्लोरिंग तो कंप्लीट कर दूंगा, उसका कुछ नहीं। और ये कंप्लीट भी हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे इधर लगाना चाहिए क्या, इधर लगाना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ कुछ है ना ब्लॉक्स गलत मतलब प्लेस किए। ओके, तो इधर ये मैं कर देता हूँ और ये बाद में निकाल दूंगा जो जो गलत लग गया ना, मैं ना ऐसे फ्लो में डायरेक्ट करते जाता हूँ। ओके, तो हम लोग की ग्राउंडिंग तो कंप्लीट हो गई है। इधर मुझे 1, 2, 3, अरे इधर मुझे नहीं लगाना है ना, क्योंकि ब्लॉक्स की थोड़ी सी मुझे कमी है, कम पड़ेंगे कभी भी, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉक्स बचा के मैं लगाने वाला हूँ। आई थिंक इतना नहीं इतना बराबर है। ओके, मुझे लगा कि थोड़ा सा मैंने गलत लगाया, ये देखो ना मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई है, इसलिए चलो इधर से मैं लगाने के लिए रेडी चालू करता हूँ। ये लग गए, मैं ना बीच बीच में किधर भी लगा रहा हूँ, कौन सा भी काम कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। A few moments later। दोस्तों अपना ऑलमोस्ट काम तो हो गया है, इधर एक लगाना था और इधर मुझे बस ये लगाना है, तो ये हो गया अपना काम डन। इधर ऊपर भी है क्या, हाँ ऊपर तो मैं स्लैब भी लगाऊंगा, ये लग गए स्लैब्स, नीचे भी लग गए स्लैब्स। ओके, ये भी डन हो गया अपना काम, इधर लग गए। ओके, ये हो गया बस इधर लगाने का। तो अभी मैं ना आर्मर स्टैंड है ना मैं लेके आया था,
अपने साथ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल और है ना, मैं क्या किया हूँ मालूम है, अपने बेडरूम में जो थे ना आर्मर्स वो ही लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी नेदरराइट वगैरह तो नहीं है। हम लोग जाएंगे अभी नेदरराइट के लिए, इधर लगाने वाले। ओके, आर्मर स्टैंड ये लिया, ये लगाया मैंने सामने, एक लगाऊंगा इधर। हाँ ये बराबर लग रहा है ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, थोड़ा सा आजू बाजू है। ओके ये लगा इधर। ओके ये डन लग रहा है ना, हाँ एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो मैं अभी ये इधर, यार ये तो मेरा ही है, मैंने नेदर हेड के पहने। ओके पहले दिन नेदर हेड के लगा था। एक क्यूब ये दोनों भी लिया, तीनों भी लिया। हाँ ओके ये भी एक क्यूब करते हैं, एक क्यूब। ओके अभी इधर लगाते गोल्ड वाला, एक दो तीन, तीन लिया, एक क्यूब। बस बूट्स ये देते। ओके बूट्स भी लगा दिए, ये इतना डन। और इधर आ जा, इधर क्यों नहीं आ रहा, एक क्यूब। और ये दो बस रह गए, एक क्यूब। ओके इतना डन हो गया। और मेरा अभी लास्ट काम रह गया है, जो जिसके वजह से, अरे मेरे पास ये किधर गए, हाँ मेरे, अरे ये वाला रिपेयर करने गए मुझे, बस ये वाले रिपेयर हो गए ना, खत्म। चलो बाय टाटा, बाय बाय टाटा। ओके अभी सब टोटम्स मैं अभी लूँगा, मेरी टॉर्च। ओके ओके तो मैंने सब टोटम्स ले लिए, पहले तो मैं फ्रेम्स लगा देता हूँ इधर सब इधर। ओके इधर दो तीन चार पाँच। दोस्तों मैंने फ्रेम्स भी लगा दिए इधर, मैं टोटम्स लगाना चालू कर देता हूँ। सब लाइन्स में लगाऊंगा मैं, क्योंकि एक भी ऐसा मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार। ओके तो अपने टोटम्स, यार क्या लग रहा है यार, टोटम्स लगाने के बाद एकदम खतरनाक वाला लुक आ रहा है यार। बस है ना, मुझे आई थिंक लग रहा है ना, ये तीन का बनाना चाहिए डोर, क्योंकि है ना मिडल स्पेस इधर ही आएगा, मतलब मिडल ये वाला हम लोग कर देंगे वैसा, वो भी तीन का डोर ही बनाएंगे। बस है ना प्रॉब्लम ये है कि दरवाज़ा का बस। तो दोस्तों हम लोग अभी चाहते हैं डोर लगाने के लिए, हम लोग ने डोर भी बना के रेडी कर दिए थे। तो ओके मैं इधर डायरेक्ट डोर लगा देता हूँ, दो फास्ट। ओके एक दो तीन। ओके ये लग गए, और उधर से भी मैं लगा देता हूँ, ये इधर ही खुलेगा ना, नहीं नहीं गलत लगा यार मैं, हाँ ये अभी राइट हो गया, इधर से हम लोग बाहर जा सकते हैं। इधर तो मैं ना ये लगाने वाला हूँ प्लेट, प्रेशर प्लेट। ओके तो अपना इतना काम तो डन हो गया, बस इंटीरियर का काम है ना हम लोग बाद में करेंगे, बस है ना मुझे इतना ही चाहिए था रूम अपना, स्पेस थोड़ा सा। ओके ओके गाइस फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, और हम लोग ने देखो क्या क्या बना और टोटम्स क्या लग रहे उधर पीछे, और ये तीन जन इधर खड़े हैं। और मैं वो डोर का भी कुछ तो कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ओके बस यार आप लोग सब्सक्राइब करो, बस आप लोग देख के जाते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके सब्सक्राइब करो, शेयर करो बस। ओके तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।